शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। योर ऑनर, ये चश्मदीद गवाह, ये नोटों के तराजू में तोलकर अपना ईमान बेचने वाला चश्मदीद गवाह, ये कहता है इसने 14 फरवरी की रात को सीमा देवी को चंपकलाल का खून करते हुए अपनी आंखों से देखा। ये काफी दूरी पे था, जब भागकर उसके करीब गया तो सीमा देवी भाग गई। तो कोई इस अकल के अंधे को समझाए कि 14 फरवरी तो अमावस की रात थी। अमावस की रात जब इंसान को अपना हाथ तक नजर नहीं आता करीब से, इसने दूर से सीमा देवी को कैसे देख लिया? तो फिर ये जिस पार्क का जिक्र कर रहा है, वहां तो ईरानर म्यूनिसिपालिटी वालों की मेहरबानी से बत्ती ही नहीं है। तो एक अमावस की रात ऊपर बत्ती नहीं है, इसने सीमा देवी को देखा कैसे? इसका मतलब ये झूठ बोलता है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए और उल्टा इस पर मुकदमा चलाया जाए। That's all, Your Honor. बस क्या है भाई? वाह वकील साहब, वाह वाह वाह, क्या केस लड़ा है आपने। चलो बच्चे जाकर खेलो। बिना छत और बिना दीवार की अदालत को हिला के रख दिया आपने। जज साहब तो पहले से नहीं थे, परिंदे उड़ गए, लौंडों को मैंने भगा दिया। इसी बात पर एक गर्मा गर्म चाय का कप हो जाए। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो लग रहा है, जब एक बिगड़ा हुआ वकील झूठ मूठ के जज के सामने, झूठ मूठ की अदालत में झूठ मूठ का मुकदमा लड़ रहा है, उसके पास पैसे कहां से आएंगे? खैर, उसके पास तो झूठ मूठ के पैसे भी नहीं होंगे। मैं आपका केस एक जज की तरह बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप वकालत कर सकते हो? कर सकते हैं? आपके अंदर मुझे दम नजर आ रहा है, इसीलिए तो फ्री की चाय पिला रहा हूँ। अपने डट के पियो। चुन्नी लाल की चाय। लगता काफी देर से चाय की तलब है आपको। अरे देर से नहीं भाई, दिनों से है? दो दिन से चाय पीने को मन कर रहा है, मगर जेब उसकी इजाजत ही नहीं दे रही थी। दो दिन से? वैसे काम क्या करते हो आप? हालत देख के समझ में नहीं आता मैं क्या काम करता हूँ। नहीं, हालत से तो लग रहा है कि फक्कड़ हो, और बदन ढांकने के लिए किसी मरे हुए वकील की ड्रेस पहन के घूम रहे हो। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते हो। मैं हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों की चलती फिरती तस्वीर हूँ। इस दुनिया में विश्वास, सिफारिश और दौलत तीन बहने हैं, और जिस किसी को ये तीन बहने नहीं मिलती तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसी मेरी हो गई। मुझे भी आज तक एक केस नहीं मिला। मैं लोगों के पीछे भागा, उनके हाथ जोड़े, मुफ्त केस लड़ने की लालच दी, मगर कोई केस लेकर मेरे दरवाजे पर नहीं आया। ग्राहक फांसने वाले तवायफों की तरह हम वकील लोग सड़क पर खड़े होकर ग्राहकों को बुलाते हैं, और वो लोग हमें बुढ़ी तवायफ समझकर मुंह फेर कर चले जाते हैं। वाह वकील साहब, वाह, क्या मिसाल दी है आप। अरे बुढ़ी तवायफों की तरह क्या, अगर मैंने लोगों को तवायफों की तरह आपके सामने नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम चुन्नी लाल चाय वाला नहीं। वकील साहब, वैसे मैं दिखने में चाय वाला लगता हूँ, अगर चानस मिले ना तो अमेरिका को रूस के हाथों बेचकर चीन भाग जाऊंगा। पैदा करने वाले की। अब आप जरा मेरा चमत्कार देखिए, अगर मैं आपको नहीं बेच डालू ना तो मैं अपने दो बाप की औलाद नहीं। दो बाप की? मेरी माँ ने दो शादियां की थी। तुम किसकी औलाद हो, पहले की या दूसरे की? नहीं, तीसरे की। वैसे तो अभी आप दो बाप तक ही रहने दीजिए ना। अब देखिए, मैंने आपको नहीं बेचा तो मेरा नाम चुन्नी लाल नहीं। तू मुझे क्या बेचेगा, मुझे कोई मुफ्त में नहीं खरीदने वाला? अरे कैसे नहीं खरीदेंगे वकील साहब, ये पब्लिक सिटी का जमाना है, अगर दबाकर पब्लिक सिटी कर दी जाए तो मिट्टी सोने के भाव बिक जाती है और कंकर हीरे के भाव। तो समझ लो, आज से आप इस देश के सबसे बड़े और मशहूर वकील बन गए, और मैं आपका असिस्टेंट चुन्नी लाल। ये मेरी दुकान है, कोई पागल कुत्तों का अस्पताल नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे जैसे सबसे बड़ी बोतल एरिनी का तेल पी लिया। एक किलो शक्कर। मेवालाल जी, ये कौन अकल का अंदाज समझ का बह रहा है? इसको शक्कर चाहिए। अबे हिंदुस्तान देख, शक्कर देख, अब तो वो जमाना आ गया कि लोग मीठी बातें करते, गर्म पानी पीते और चाय का मजा लेते हैं। ये तू क्या खा रहा है? केला। तेरे बाप का केला है? मगर मिलावट राम जी, सरकार ने हम लोग के हिस्से की शक्कर आपके पास भेजी है। अच्छा, सरकार ने भेजी है? बुलाओ सरकार को, अभी पूछता हूँ कब भेजी है। जो भेजी थी वो पिछली दिवाली में खत्म हो गई। मिलावट राम जी, हर कोई जानता है शक्कर का कोटा आपके घर में रखा है। हाँ रखा है, मगर वो कोटा मेरे घर का कोटा को हराम का कोटा नहीं है। मेरा बच्चा बगैर शक्कर के दूध नहीं पी रहा है,
मेहरबानी करके अपने घर के कोटे से शक्कर दे दीजिए ना। अगर तेरे को मेरे घर के कोटे की शक्कर चाहिए तो तेरे को 10 रुपए का परमिट दिखाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपया किलो? ठीक है, मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, जरूरी है। कड़वाई के जमाने में तेरे शक्कर देना, वो भी मीठी। मेवा लाल, इसको 1 किलो शक्कर बांध के दे, सफेद वाली, मीठी वाली, काले भाव में। ये तेरे बाप का माल है क्या? पानी निकाल। अरे भाई, हमारा नंबर कम आएगा, धूप में खड़े खड़े पांव दुखने लगे। अच्छा, पैर दुखने लगे? कभी ये सोचा हमारे पैर कितने दुखते होंगे जब मुझ जैसा नौजवान और मेरा ये बुढ़ा नौकर हम लोग शहर जाते हैं, सारा सामान सब उठा के लाते हैं और तुम जैसे एहसान फरामोशों को देते हैं। भाषण बंद करो ना, मुझे 5 किलो गेहूं का आटा दो और ये रहा आपका परमिट, 20 का नोट। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए? अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा। चला, दूसरा नंबर किसका आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, हेलो 5 रुपया। लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा यह जुल्म जरूर खत्म होगा। नमक हराम हो तुम लोगों, मिसाल भूल के जिसका नमक खाते उसकी थाली में छेद नहीं करते, और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं, मेरा आटा, मेरा दाल, मेरा चावल, मेरा जाले जगह खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो। मेवालाल, इसकी मुंह में 5 किलो आटा मार। चलो, अगला नौजवान कौन है? 1 किलो चने की दाल देना। ये मुंह और चने की दाल, इस देश में बड़े बड़े नेताओं की दाल नहीं करती, तू कहां से दाल लेने आई है? चल आ जा। सेठ जी, ये लाइन में जाने वाली नहीं है। हाँ? ये मेरी रिश्तेदार है। ये तेरी रिश्तेदार है? अबे तू बिन माँ बाप का गटर में पैदा हुआ था। अच्छा, इतना लावारिस था कि तेरे को यतीम खाने वाले भर्ती नहीं करे थे, फिर तेरी रिश्तेदार कहाँ से आई? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे दूर के नजदीक के रिश्ते की रिश्तेदार है। हाँ? पता चला ये रात को अंधेरे में मालूम पड़ा मुझे। सेठ जी, दाल दे दीजिए। अच्छा चल, मेरा नौकर बोला इसलिए तेरे को दाल दे रहा हूँ। जा, दाल लेकर आ। दाल लाया। मेरी फूल मती उस नकली वनस्पति की गोद में। अबे अबे, आंखें के मौसमी की भाभी दिखाई नहीं देता है, गाड़ी चला रहा है कि पतंग उड़ा रहा है? आपने मुझसे कुछ कहा? और नहीं तो क्या, आपने बाप से कुछ कहा? ये क्या चक्कर है, गाड़ी की टांकी में पेट्रोल की जगह मेहनत भरे क्या? वैसे रहे। मेरी टांकी में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी गोद में धरा है उसे तो पहले हटाओ। क्या धरा है? एक तो लोगों को डराते, ऊपर से जबान चलाते हो, वैसे रहे। और तुम बुढ़ापे के सिने पर जवानी का पोस्टर चिपकाते हो, कहीं तुम्हारी बीवी आ गई ना तो मार मार के फटे हुए पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका दे। ये बेचारी तो घबरा के ऐसी मेरी गोद में गिर गई थी। जब कोई गोद में गिर जाता तो उसको निकाल भी दिया जाता। तुम्हारी गोद कोई गांव का तालाब है, इसमें कोई जानवर गिर जाए तो घंटा भर लगता है उसको निकालने में। अरे जाने काले, देखा तुझे करनी का फल मिल गया ना? क्या मिला? तूने मेरे फूल पे हाथ डाला, भगवान ने तेरा मुंह काला कर डाला। मुंह काला? अरे तेरी, अरे तेरे वो कीड़े पड़ेंगे इतने बड़े बड़े। क्या ललिता? हे भगवान, ललिता और वो हरामजादा, सुनते हो जी? अरे हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। अरे जीजा जी, आप सिर्फ बहरे नहीं गूंगे भी है, बुजदिल है, डरपोक है, यानी कि बिल्कुल नकम्मे हैं आप। कमश, मैं मार खाए आदमी से गालियां नहीं सुन सकता। अरे गालियां क्या, अब तो तुम्हारे भी पिटने के दिन आ गए हैं जीजा जी। उन सब वक्तों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा डाली, आपकी दुकान बंद करवा दी, अब वही नीच रवि आपकी बेटी ललिता को प्रेम के जाल में फंसा रहा है ताकि अपनी बची हुई इज्जत का यानी के यानी के यानी के जनाजा निकल जाए। कितना यानी के जनाजा निकल जाए? तुम हंस रहे हो और हम सब गुस्से में जल के कोयला हो रहे हैं। तुम कोयले की तरह जलती रहो और मैं उस कोयले पर अपनी चक्कर का खाना पकाऊंगा, और ऐसा खाना पकाऊंगा कि जो कोई खाएगा वो चकरा के गिर जाएगा। मेवालाल आया बापू, आया आया आया। तू मेरा सच्चा वफादार नौकर है, क्या खुशखबरी लाया है, इसी बात पे 100 रुपया इनाम। आप और इनाम? या तो आप पागल हो गए या फिर ये वो नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, या फिर ये पैसे नकली है। असली है। और सुन, अगर तूने मेरी इन खूबसूरत बैल जैसी आंखों को वो दृश्य दिखा दिया तो मैं चूम चूम के तेरा मुंह गीला कर दूंगा। नहीं। और 2.5 रुपए इनाम में भी दूंगा। 2.5 रुपए? जा ऐश कर। अगर आप उस गंदे झोपड़े को हटाने के लिए पंचायत को राजी नहीं कर सकते तो ये काम मुझे करने दीजिए, मैं खुद उस झोपड़े को आग लगा दूंगा। बुजुर्गों ने कहा है कि पड़ोसी के घर को आग लगाओगे तो खुद का घर भी जल जाएगा, तुम एक आसान काम क्यों नहीं करते? अपने भाई को क्यों नहीं छोड़ देते उन लोगों पर? भाई, अरे भाई, मैंने तो एक ही बेटा पैदा किया था, दूसरा कहां से आ गया? तुम्हारा वो बेटा जो ये बेटा बाजार से खरीद के लाया, मतलब कुत्तों की जात को शर्माने वाला ये कुत्ता। चंडी दास, तुमने सोफे का सत्यानाश कर दिया, आराम से बैठ क्यों नहीं जा रहे? तो मैं क्या करूं, अपने इस बेटे को अपनी भाषा में समझा भाई। मामा घबराओ मत, ये कुत्ता आपको काटेगा नहीं। क्या है कि आपने इसको कुत्ता बोल दिया ना, इसलिए आपसे ये नाराज हो। हाँ। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलूंगा तो क्या शेर बोलूंगा? मामा इसका भी नाम है आपकी तरह। अच्छा,
पैसे वालों की तरह कुत्ता भी नाम का दीवाना होता है क्या? क्या नाम है इसका? मामा। मेरा मतलब एडवर्ड। अच्छा अच्छा, एडवर्ड, क्राफर्ड, मास्टर्ड, ये विदेशी नाम रखने की क्या जरूरत है? कोई देसी नाम भी रख सकते थे। भोगोचन टेढ़ी दुम वाला, काटोचन चौदह इंजेक्शन वाला, चट्टी चंद निकम्मे चंद। मामा आप जब देखो मजाक करते रहते। अरे यार चट्टी चंद क्या बात है भाई, आज समाज मंदिर के खिलाफ बड़ा जहर उगल रहा है तू। आया जी अजी शहर उगल रहा है, शहर उगल। एक तो बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई, शादी के बाद बड़ी मुश्किल से मेरी औलाद हुई, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उस औलाद को बड़ा किया। अब आए दिन समाज मंदिर के बंदर उस औलाद का कोई नकुल पुर्जा तोड़ देते, जैसा मेरा घर न हुआ, कोई टूटी फूटी गाड़ियों का गैरेज हो गया, अब कल उसकी हड्डी तोड़ दी, अब मैं रोज उन्हें हड्डियां कहां से लाऊं? कहां से? तुम उनके मुंह पे झाड़ू भी नहीं फेरते, निकाल बाहर क्यों नहीं करते लोगों को? अरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता चंडी दास, समाज मंदिर के नाम पर जो गुंडों का अड्डा चल रहा है वो जमीन रवि की है। तो ये कि वो जमीन रवि को अपने दादा से विरासत में मिली है और वो ये जमीन बेचने को कभी तैयार नहीं होगा। ठाकुर साहब, जब गोविंद की बेटी की शादी थी तो तुम्हें याद है तुमने उसको 5,000 रुपया कर्जा दिया था? हाँ याद है। तो फिर तो तुम उसमें दबाव डालो कि फौरन वो कर्जा लौटा दे। उसके पास पहनने के लिए दूसरी धोती नहीं है, वो 5,000 कहाँ से लौटाएगा? तो तुम उससे कहो कि अपने बेटे को तुम्हारे यहाँ नौकरी पे भेजे ताकि तुम उसकी पगार से आहिस्ता आहिस्ता अपने कर्ज की रकम वसूल कर सको। और एक मरतबा वो यहाँ आया मतलब शिकारी के जाल में बिगड़ा हुआ शेर फंसा, फिर तुम उसका गुरूर निचोड़ लेना, घमंड निकाल देना, दांत उखाड़ देना, पंजे निकाल देना, और एक महीने वो बिगड़ा हुआ शेर शराफत की बकरी बन जाएगा। अरे फिर वो समाज मंदिर का झोपड़ा तो क्या अपने बाप का थोड़ा। चोकर भैया, चोकर भैया, चोकर भैया। यार कितनी बार कहा है ठोकर नहीं ठाकुर कहो ठाकुर। अरे लानत भेजो, ठाकुर अगर ठोकर मारे तो ठोकर का ठाकुर बोलना पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हैं, और ये लगड़ाते हुए कहाँ से भागे चले आ रहे हो? जान बचा कर आ रहा हूँ। हरामखोर गाड़ी चलाता है कि तलवार चलाता है? एक लड़की साथ में क्या बैठी थी, शराफत के म्यान से कड़ी भी तलवार की तरह बाहर आ गया। अरे यार किसकी बात कर रहे हो तुम? तो अपने ड्राइवर को समझा तो वरना जानी होगा। अरे यार वो मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बेटा। लानत भेजो ऐसे बेटे पर, अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसकी क्या मतलब बेटे की सेहत की दुश्मन बने हो यार। तुम देखो पीछे 10 साल से गांव के पंचायत के सरपंच हो, पर गांव की हालत देखो, न सर है न पैर न पंच है। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, मैं ये कह रहा था गांव की सड़कों की हालत देखी कितनी उबड़ खाबड़ हो गई, तो ऐसी सड़कों पे अगर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी तो बैलगाड़ी बन जाएगी 2 दिन के अंदर, उनका इंजन पिंजरा अलग हो जाएगा। जब तक तुम गाँव के सरपंच दिखावे के लिए तो सड़क की मरम्मत कर डालो। मगर तुम्हें गांव की सड़कों की चिंता क्यों खाई जा रही? क्योंकि मेरे बाप अगला चुनाव आ रहा है। और फिर वही बात, मैं कितनी बार कह चुका हूँ छोटे ठाकुर कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता, 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 नहीं। अरे छोटे ठाकुर तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? ये सुनकर कि तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, मेरे बदन में से झाग निकल रही है। नाश्ते में साबुन खाया था क्या? मेरा मतलब आग निकल रही है। अरे यार इस बरस मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। तो मेरी बेटी का क्या तलाक हो रहा है? ओहो तुम समझते नहीं हो, बहुत सारे काम होंगे जो मुझे ही देखने पड़ेंगे। तुम्हें क्या काम देखना है? बराती अपने घर से आएंगे, दूल्हा अपने घोड़े पे बैठ के आएगा, तुम क्या बैंड बजाने वाले हो? और तू बता, जिस कुर्सी पर पिछले 10 साल से ये बैठे उस कुर्सी पर दूसरा कोई भूतनी का बैठ सकता है? अरे इतना क्यों मार रहे बेचारे को? बस एक बात करो छोटे ठाकुर, इस बार चुनाव तुम लड़ो, मैं तुम्हें जिताऊं। क्यों? कुत्तों की लड़ाई में बिल्ली को कहां घुसा रहे हो? क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है कि मैंने तो सारे इंतजाम कर दिए, उल्टे सीधे पोस्टर छपवा दिए, आपके नाम के गलत नारे छपवा दिए, और मैंने वो भी इंतजाम कर दिया, हंडिया मंगा ली, बाबू मंगा लिए, आग मंगा ली, सोफा चादर मंगा ली, चटाइयां मंगा ली। नहीं नहीं आरती के लिए नहीं, मतलब पिंडाल बनवाने के लिए, और आप चाहते हैं मैं आपकी कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं? आप खाली काम कीजिए, आप गांव वालों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके सामने बोल दीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं एक दस्तूर के तौर पर, और एक डिपॉजिट दे दीजिए 25 रुपए का। आपके पास नहीं मैं दे दूंगा, मेरी दोस्ती कब काम आएगी, बाद में मैं भाभी से मांग लूंगा। भाभी अरे तू ऐसा करके क्या खड़ा है? नहीं। कवाली गा रहा है क्या? नहीं। अगर कवाली गाएगा तो बहुत मारूंगा। नहीं, नहीं गाएगा तो उससे ज्यादा मारूंगा, और अगर ये इलेक्शन में खड़े नहीं हुए तो जान से मार डालूंगा। भाभी चुनाव में खड़े हो जाइए, आपके खड़े होने में मेरी जिंदगी है, मैं खामखा मरना नहीं चाहता, अगर आप नहीं खड़े हुए तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, खड़े हो जाइए ना। चुप साहेब, ये क्या कर रहे हो? देख मेरी काजल लगा रहा हूँ, मगर साला लगता नहीं है। देखो तो क्या देखने का, देख सारा काजल तो अपनी पलकों में लगा लिए। क्या करूँ, उंगली से ऐसे काजल लगाने जाता हूँ, जैसे उंगली रखता हूँ सारी आँख बंद हो जाती है। तेरो हम आपका सिखाते हैं कि आंख में काजल कैसे डाला जाता है। तू सिखाएगा? ज्यादा नजदीक हो गया।
तो क्या कर रही तू, अंदर क्या घुसी आ रही है? अरे क्या करती है, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगा दिया यार? तो हम क्या करें मालिक, आप भी तो सीधे खड़े रहो ना, चुई मुई की तरह हिलते सुकड़ते रहते हो। बस मत कर, खाजा लगा। तो फिर दीदे का ढक्कन तो खोलो। ये दीदा को टिफिन बॉक्स नहीं के ढक्कन खोलो। अंडा डालो। अरे तेरा सत्याना से क्या पेंटिंग कर रही है, क्या कर रही है? हम आपको सुंदर बना रहे हैं। सुंदर बना रही है या बंदर बना रही है? अरे आपके जैसे सुंदर बंदर कैसे लग सकते हैं? खोलो ना, खोलो। नहीं मेरे को गड़बड़ लगती है, मैं नहीं बोलता, मैं मेरा मुंह देखूंगा। ये काला आदमी कौन है? आप ही ना हो मालिक। मैंने तेरे को आंख काली करने बोला था, तूने मुंह काला कर दिया। मालिक आप लगाते समय इतना हिलते हैं कि उंगली हिया की हुआ चली जाते। अरे मगर लगाने से हिलने का क्या संबंध है? नहीं सरकार, वो कहा है कि लगाते समय हिलने से मुंह काला हो जाता है। अरे कहा, एक जबरदस्त टेप लेकर आया हूँ वकील साहब। ओ वकील साहब, क्या 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 चला है? ये कालिया तू अंदर कैसे घुसा? भाग चल, कौन है ये? अरे अरे एडवोकेट धर्मदास। ओ एडवोकेट धर्मदास, वकालत तो वकील का बहुत काला होता है, तुम्हारा मुंह कैसे काला हो गया समझ नहीं आया? नजर नहीं लगे इसलिए मुंह पे काला टीका लगा रहा था। मुंह पे टीका लगाया था कि टीके पे मुंह लगाया था कि पूरा मुंह ही काला कर लिया? अब तो फिर से नजर लग जाएगी, इसलिए एक सफेद टीका लगाना पड़ेगा। अबे बकवास बंद कर, मतलब की बात क्या? दिमाग में वकालत के कीड़े जाग उठे, उनको कानून की खुराक की। चली बोल, चली बोल, चली बोल। वो बाजू वाली गली में दो मारवाड़ी भाई रहते हैं, हीरा लाल और पन्ना लाल, दोनों हीरे का धंधा करते हैं, जौहरी है। दोनों में किसी नाजुक सी बात पर एक जबरदस्त गलत फहमी हो गई है, दोनों अलग होना चाहते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। ये केस आपको लड़ना है। ये मत कर, मुझे दिख रहा है। केस तो है दमदार। अच्छा राम कोटरी, इसी बात पे मेरी आंखों में काजल घुसेड़ दे। मुझे भी लगा दे थोड़ा काजल। इसको गिलास गरम पानी पिला। गर्मी में गरम। अब खोल के रखो। हाँ। खोलो ना मालिक। और कितना खोलू, कबाड़ थोड़ी है, लगा ना। खोलो ना। आराम से आराम से। राम कोटरी कोटरी कहाँ गई रे? तेरे लिए गर्मा गर्म पानी लाने गई है। झूठ बोलता है साले। अरे ये साली वाली कौन है? कोई नहीं, अंधे होकर पूछते हो कौन है? रामखोर झूठ बोलता है। और ये राम कोटरी लिपटा हुआ आदमी कौन है? आदमी नहीं मैं हूँ, क्या बात कर रहे हो? आदमी कौन है? हरामखोर तू है? खाना खाने के बाद हजम करने के लिए पैदल चलना चाहिए। अगर हाँ। आप तो इतना चल रहे हैं कि खाना पेट से उतरकर पांव में आ जाएगा और आपके पांव भारी हो जाएंगे। हाँ। पांव भारी? जी। लुबान? जी हाँ कुर्बान। गाल? हाजिर है। ये बात तू मुझे अभी बता रहा है जब मैं 150 मील पैदल चल चुका हूँ? अरे अब तो मेरे पैरों को भी चक्कर आ रही है। देखिए, एक रोटी हजम करने के लिए आपको 2 मील का चक्कर लगाना पड़ता है, यहाँ तो आपने 10 पराठे, 5 अंडे और 2 सेर दूध इतना सब खा लिया है। अगर दौड़ नहीं लगाएंगे तो हजम कैसे होगा, और अगर हजम नहीं होगा तो पेट भूल कर सर्कस के तंबू की तरह बड़ा हो जाएगा। ये क्या उठा लाया? ये आपका बेटा है चंडी मामा। बेटा हूँ। मेरा बेटा इतना टूटा हुआ, समाज मंदिर में कुश्ती लड़ रहा था, पहलवान ने उठा के पटक दिया और इसकी हड्डी टूट गई। हाथ भी? एक तो ये नालक बगैर हड्डियों के पैदा हुआ था, दवाइयाँ खिला खिला के इसके शरीर में हड्डियाँ पैदा की, उधर ये समाज मंदिर वाले रोज इसकी हड्डियाँ तोड़वा देते हैं। अब पतीले के खुरचन जब ऊपर अकल बैठ रही थी तो तू कहाँ था? नीचे था। चुप नालक, एक तो तूने पैदा होने में 13 महीने लगा दिए और अगले 1 महीने के लिए पैदा नहीं हो सकता। लगता ही आपका बेटा नहीं किसी और का कैलेंडर है। क्या कहा? माफी चाहता हूँ, गाल हाजिर है। मैं इस समाज मंदिर से तंग आ चुका हूँ, अब इसको तोड़वाना ही पड़ेगा। गाँव वालों सुनो, शुभ समाचार का लगा कर सुनो, कल शनिवार सुबह 9 बजे दुर्गा माँ के मंदिर के सामने वाली कोठी में नए सामान, सस्ते सामान, सस्ता अनाज, शाकाहारी भंडार खुल रहा है। हर खास आम को आने की दावत है। हाँ हाँ जरूर जरूर, इस नेक काम में कौन नहीं आएगा। क्या कहा हराम के ढक्कन? कल से काला बाजारी
शादी करने वालों का दीवाला और मिलावट करने वालों का मुंह काला। अबे मुंह काला होगा तेरी अम्मा की खसम का। जा ना, जा ना, जा ना। एक तो सहकारी दुकान खोलकर इन बेचारे को भिखारी बनाने का चक्कर चला रहा, ऊपर से ढोल बजाकर इनको जलाकर इनके कलेजे का कबाब बना रहा। अरे कबाब बने या जिल्लाब बने, मैं तो गांव की भलाई के लिए चिल्लाऊंगा ही। अरे गांव की भलाई तो होगी मगर इनके धंधे की धुलाई हो जाएगी। हैं? तू यहाँ चिल्लाकर इनकी धोती क्यों गीली कर रहा है? अरे मैं इन्हीं के लिए तो ढोल बजा रहा हूँ। तू मेरे लिए क्या ढोल बजाएगा बे? क्यों नहीं बजाऊंगा? अरे जिस दिन तुम लुढ़क जाओगे तो तुम्हारी आरती को कंधा देने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं ढोल बजाने जरूर आऊंगा। अबे दो पैसे के ढोलक पीटू, तूने मेरे मालिक को इतना गिरा हुआ समझ रखा है, इतना कमीना समझा है, इतना जलील समझा है, खुजली वाला मरा हुआ कुत्ता समझ रखा है। कितनी गालियां दे रहा है? मैं आपको गालियां नहीं दे रहा हूँ मालिक, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ। अरे थोड़े दिन ठहर जा, एक बार मेरे सेठ को मरने दे, फिर देख मजा। ये ढोल क्या, शहर से बैंड मंगवाऊंगा, अरे सारे गांव को नचवाऊंगा, ऐसा शानदार जुलूस निकलवाऊंगा कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा कि ये मरा कोई सेठ, सेठ जी कैसी रही। बासी खिचड़ी के सड़े हुए कीड़े, एक तो मेरे मरने की दुआएं मांग रहा है, ऊपर से मुझसे ही ताली मांग रहा है। गिरगुट की औलाद, बिना पिंडे के लोटे, चल अंदर, अभी लेता हूँ तेरी खबर। और तू क्या रे, तू मेरे लिए ढोल बजाएगा? ढोल बजाएगा साले, ढोल बजाएगा।